शिवाय। सभी को मेरा श्रावण मास की उपलक्ष्य में गंगूवाल वृक्ष मंदिर में श्री शिव महापुराण नव दिवसीय रखा गया है। और श्रावण मास में शिव कथा को सुनना जैसे माने गंगा में बार बार स्नान करने के बराबर है। और करोड़ों पुण्य का जब भाग्य उदय होता है तो हमें ये श्रावण मास में शिव कथा को करने का और सुनने का अवसर मिलता है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है इन सबका और हम सबका कि यहाँ हमें कथा श्रवण करने को मिलेगी। और भगवान शंकर की कृपा हुई तो ये जो संसार में महामारी फैली है इसे तुरंत ही सबको राहत मिलेगी। इसी के लिए ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए कथा की जा रही है। कितने दिन कथा चलेगी? ये कथा 9 दिन तक चलेगी और 9 दिन तक शिव महिमा का गुणगान होगा। मैं गोपाल कृष्ण शर्मा, प्रेजिडेंट शिव मंदिर कमेटी गंगूवाल, ये साड़ी जिहड़ी कथा है ये साढ़े पिछले समय तो इतने चली आ रही है जिड़ी कि सावन के महीने ही असी करते हैं। और पिछले लॉकडाउन करके 2 बार कथा नहीं हुई, इसका भी सानू थोड़ा जहा अफसोस रहा, लेकिन चलो इस बार परमात्मा ने सारा कुछ साथ दिता है। और असी 8 तरीक तो लैके 16 तरीक तक जी है ये कथा इतने करनी है। और महाशिव महापुराण जी कथा है ये इलाके पहली बारी हो रही है। ये 9 दिन का यदा दिन है और 10वें दिन 9वें दिन असी जाके जिस दिन
संगरान का दिहाड़ा होना 16 तरीक न उस दिन यदा जो भंडारा वो नाले कथा का विश्राम दवाया जाऊगा। तो बाकी महाराज जी ने तुम दस ही दिता कि यह हमीरपुर तो आए उतों और आके मेरी सारी कमेटी जी है इन्होंने सारे ने इस कमेटी के जिन्हें भी मैंबर है साढ़े इन्होंने सारे ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बढ़ चढ़ के सेवा करते पे है और रोज़ शाम को 3 से 6 कथा का टाइम है और शाम को लंगर जोड़ा वो रोज़ अटूट वरत्या करेगा ता कि जोड़े दूर तो आते लोग वो लंगर लुंगर छक के जान। ये हर एक कथा शुरू होने तो पहले जी कलश यात्रा का विधान है और कलश यात्रा जी अज असी की है शिव मंदिर तो लैके नहर तक काले गेटा तक असं आते हैं और नहर के सारा त्रिवेणी का पानी जोड़ा है वह लैके कलशा जाते हैं और अज इसी तरह ही असं कलशा का पानी लैके जा रहे हैं और आखिरी दिन जोड़ा ये कलशा के पानी है ये सारे ने अपने अपने घर लेके जाना क्योंकि ये गंगा जमुना सरस्वती सारे का वास हो जाता है क्योंकि भगती के नाल भी तो जल के नाल भी।